आज दिनांक 5 नवंबर 2017 की डेट में रेड आर्मी ब्लड डोनर्स की तरफ से एक सहायता किया गया, जो कि रिंकेश जी हैं रेड आर्मी ब्लड डोनर्स के एक कर्ताधर्ता, बाकी हम भी हैं साथ में। और ये भाई रिंकेश जी ने ए पॉजिटिव प्लेटलेट डोनेट किया है। बाकी मैं रिंकेश जी से बोलना चाहूँगा, आप बताएं कैसा। आप नमस्कार बंदे मातरम साथियों, रक्तदान करें, जीवन दान करें। मैं हिंदू रिंकेश रेड आर्मी ब्लड डोनर से आज 45 दिन में 34 बार प्लेटलेट डोनेशन किया हूँ। प्लेटलेट डोनेशन अच्छा है क्योंकि हर 10-15 दिन में डोनेशन करने का मौका मिलता है और मरीज की जान बचती है। और मेरा भी यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दिल्ली के अंदर ऐसे स्वेच्छित रक्तदाता तैयार करें, ताकि जो दलाली और कालाबाजारी हमको सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ब्लड की देखने को मिलती है, ताकि उस पर रोक लग सके। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी क्षमता अनुसार काम करके दिल्ली के अंदर ऐसा काम करना चाहते हैं, कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद को कभी ब्लैक में ब्लड ना खरीदना पड़े, या बेबस को अपना घर परिवार जो छोड़ के आते हैं उन लोगों को कभी परेशानी का सामना करना ना पड़े ब्लड के क्षेत्र में। और हमारा यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन दान दे सकें। बस मैं तो यही बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ललन सिंह जी हैं, ललन सिंह जी को कैसा लग रहा है, हम लोग कैसा मतलब सहायता राशि कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। आज ललन सिंह जी की जो वाइफ हैं उनके लिए डोनेट किए हैं। बाकी हम रेड आर्मी ब्लड डोनर्स दिल्ली में और युवा क्रांति जीवन रक्षक टीम सोनीपत, पानीपत, रोहतक और बाकी कुछ और टीम हैं जो कि यूपी में भी हैं, और सारी टीम मिलकर एक संयुक्त प्रयास कर रहे हैं हम कि किसी भी ज़रूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए बिना ब्लैक में लिए हुए। धन्यवाद, वंदे मातरम, साथ में हमारे यहाँ आइए और रक्तदान कीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद की जरूरत को पूर्ति कीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।